याद आई है जो मैं आपके बीच रखना चाहती हूँ। एक माँ की शादी जो है, एक माँ होती है उसकी शादी जो है बड़े ही करूल पर, जैसे कहते हैं बड़े ही खतरनाक लोगों के बीच हो जाती है। तो वो चाहते होते हैं बेटा, लेकिन वो उनको दे नहीं पाती और वो उसका 5 बार जो है उसका अबॉर्शन करा देती हैं। तो वो जिस शहर में वो रहते होते हैं तो उस शहर से वो निकलकर दूसरी जगह पर आ जाते हैं और फिर अपनी जो बहू को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बहू जो है प्रेग्नेंट है। तो वो कहते हैं कि क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारी बहू बेटे को जन्म देगी या बेटी को। तो वो जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि आप किस उसमें जी रहे हो, आज का ज़माना तो बदल चुका है। हाँ, मैं तो क्या, कोई भी डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा कि आपके घर बेटा आने वाला है या बेटी आने वाली है। तो उनको उनको होता है कि नहीं, हम तो हर बार पूछ लेते हैं। तो कहते नहीं, कोई कहते मैं अब तो इसके ऊपर सजा भी है कि अगर कोई डॉक्टर बताएगा तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। तो वो जो है, वो जो फैमिली होती है तो वो बड़ी हैरान होती है, लेकिन जो माँ होती है उसको तो पता ही होता है कि मुझे अब जो है एक बेटी को ही जन्म देना है। लेकिन वो अब उसको डर भी लग रहा होता है, बहुत डरी होती है, वो कुछ नहीं बोलती। लेकिन जो डॉक्टर होती है वो उसकी उसके जो चेहरे पर उसकी कमजोरी, उसकी मायूसी, उसका डरावना जो वह देखती है कि ये कितनी डरी हुई है, और वो कहती है कि तुम खुश नहीं हो, तुम माँ बनने वाली हो, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। वो कहती है कि मैंने तो अपनी खुशी उसी दिन ही मार दी थी जिस दिन मेरे गर्भ में मेरी पहली बच्ची को मरवा दिया गया था। तो उसके बाद वो जो है वो हर जगह प्रयास करते हैं, हर डॉक्टर से पूछते हैं कि कोई शायद बता दे, लेकिन कोई नहीं बताता। उसके बाद जो है 9 महीने पूरे हो जाते हैं और वो बेटी को जन्म देती है। लेकिन जो उसकी माँ होती है तो वो उसको, जो उसकी सास होती है उसको बड़ा गुस्सा आता है। वो उसको क्या करती है, गर्म उसमें दूध में उसको डुबो कर मारती है। तो जो ससुर होता है वो कहता है अरे अरे क्या कर रही हो, कन्या को मारना तो पाप है। लेकिन उस सास का जवाब होता है अरे अरे नहीं, अगर बच्चे को दूध में डुबो कर मारा जाए तो पाप नहीं लगता। तो वो कहती है कि तुम अपने पति को कहती है कि तुम अपने जो है प्रवचन देना मुझे बंद करो और जाओ यहाँ से, मुझे अपना काम करने दो। तो वो जो माँ होती है उसको सो रही होती है तो उसको अचानक से आभास होता है कि उसके बच्चे पर कोई मुश्किल आ पड़ी है। तो वो आती है, वो देखती है कि उसका बच्चा जो है उसके पालने में नहीं होता। तो वो आती है और देखती है कि उसका बच्चा जो है दूध के बड़े से पतीले में पड़ा है। वो अपनी बच्ची को उठाकर तुरंत डॉक्टर के पास भागती है और उसको डॉक्टर कहती है कि डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देखिए, मेरे बच्चे को देखिए। तो जो डॉक्टर होती है वो कहती है कि मुझे कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, कुछ नहीं हुआ, अच्छा हुआ तुम इसे सही समय पर ले आई। तो वो कहती है कि भाई तुम मुझे बताओ कि ऐसा क्या हुआ। तो वो बताती है कि मैं जब से इस घर में आई हूँ मेरे 5 अबॉर्शन हो चुके हैं, मुझे तरह तरह की जो है मुझे यातनाएं दी जाती हैं कि मैं बेटा पैदा करूं। तो वो डॉक्टर कहती है कि भाई तुम्हें डिसाइड करना होगा कि तुम्हें वो परिवार चाहिए या अपनी बच्ची की ज़िंदगी चाहिए। तो वो माँ कहती है कि मैंने सोच लिया। वो कहती है अगर तुमने सोच लिया है तो ठीक है। वो घर जाती है, घर जाकर जो है बेटी पैदा करने के कारण उसको बड़े उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता है। तो उसके माँ बाप कहते हैं कि चलो एक काम करते हैं, इस बहू को और इस बेटी को मार डालते हैं। तो वो सुन लेती है माँ। वो माँ कहती है कि नहीं नहीं नहीं, आप लोगों को मारने की क्या ज़रूरत है, हम खुद ही घर छोड़कर चले जाते हैं। कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर बड़ा करूँगी। और इसी बीच जो है उसके ऊपर उसका पति जो है उसको मारने के लिए दौड़ता है, उसी वक्त डॉक्टर आ जाती है। जो डॉक्टर होती है वो बहुत अच्छी होती है, वो भी एक लेडीज़ होती है। वो कहती है कि मेरी खुद एक बेटी है, मुझे इतना गर्व है उस पर, और आप लोग कैसे हो कि एक बेटी होने पर आपको इतना दुख है। तो वो डॉक्टर जो है उसको अपने साथ ले जाती है और बहुत वर्ष बीत जाते हैं और वो जो बेटी होती है बहुत बड़ी डॉक्टर MBBS बनकर अपनी माँ का नाम रोशन करती है। और उस वक्त वो फैमिली वहीं होती है जिसने उन्होंने घर से निकाला होता है, वो दुख मनाते हैं कि काश हमने अगर अपनी बहू को और अपनी जो हमारी पोती है उसको प्यार दुलार दिया होता, उसको अच्छे से पाला होता, उसको पढ़ाया होता, तो आज ये हमारे परिवार का नाम रोशन कर रही होती, अगर ये हमारे पास होती। तो देख लो बेटियों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। बेटियां कुछ ना कुछ करने का अपने अंदर हुनर रखती हैं और जो जो चाहती हैं वो कर दिखाती हैं। ये थी मेरी आज की कहानी।